एवरीवन वेलकम बैक टू एसएस क्लासेस। माय नेम इज शाइस्ता परवीन एंड यू आर वाचिंग एसएस क्लासेस। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड। द नेम ऑफ चैप्टर इज 2 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर का फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को, फिर हमारे दो क्वेश्चन और बचे रहेंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग को देखना था। ठीक है, फिर से बता देती हूँ कि जो बुक फॉलो हो रही है वो है फिजिक्स ऑल द वे। फिजिक्स ऑल द वे के ही सारे क्वेश्चन हैं, है ना। अगर आप लोग किसी और जो है कोई और आपकी बुक चलती है तो आप लोग को देखना पड़ेगा फिर। तो ये फिजिक्स ऑल द वे के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस बुक से पढ़ रहे हैं, उस राइटर से, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं, उसी बुक के ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सॉरी 8 जो है ना, वो क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ एन अननोन लिक्विड इन अ बीकर। ठीक है, बीकर के अंदर कोई अननोन लिक्विड की डेंसिटी बतानी है हमें। बीकर का मास अगर दिया हुआ है कितना, 268 ग्राम, व्हेन देयर इज़ नो लिक्विड। ठीक है, जब उसके अंदर लिक्विड नहीं भरा होता है तब उसका जो है मास हमें दिया हुआ है। ठीक है, विदाउट विद अननोन लिक्विड द टोटल मास, अगर उसके अंदर कोई अननोन लिक्विड भर दिया हमने, ठीक है, हमें पता नहीं कौन सा लिक्विड है उसके अंदर भर दिया, तब उसका इतना हो जाता है मास। सो वॉल्यूम ऑफ द अननोन लिक्विड इज 145 मिलीलीटर। वॉल्यूम जो दिया है अननोन लिक्विड का वो इतना दिया है। हमें यहाँ पे डेंसिटी फाइंड करनी है, तो लाइक प्लस सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को गिवन क्या है, वो चीज़ें हम लोग नोट करेंगे जो गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हमें दिया है मास ऑफ इम्पटी बीकर, तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ इम्पटी, यानी खाली बीकर का मास कितना है हमारा, 268 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब मास ऑफ बीकर फिल्ड विथ लिक्विड, मास ऑफ बीकर फिल्ड विथ लिक्विड, लिक्विड के साथ जो फिल है उसका हमारा मीजर करेंगे तो उसका हमारा आएगा 390 ग्राम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ अननोन लिक्विड का वॉल्यूम कितना है भाई। अननोन लिक्विड का वॉल्यूम हमारा दिया है 145 मिलीलीटर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 145 सीसी। ठीक है, अब डेंसिटी हम निकालना है। डेंसिटी इसको ये भी लिख सकते हैं और ये भी, डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड क्या हो जाएगा हमारा। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास की जगह पे हम लोग लिख देंगे कितना है हमारा, 390 माइनस 268। ठीक है, ये हम मास दो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारा फील्ड के साथ है, मतलब जब बीकर जो है हमारा भरा हुआ है, जब बीकर भरा हुआ है तो हमारा मास क्या है, 390 है, और जब बीकर खाली है तो उसका मास 260 है। तो हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे और फिर हम यहाँ पर रख देंगे अपना वॉल्यूम का। वॉल्यूम हमारा कितना है, 145 है, इसको ले लिया तो इसमें से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 122 अपॉन 145। ठीक है, इसका जब डिवाइड दोगे आप तो हमको मिलेगा आंसर 0.8413 ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो ऊपर आ गई है इस वजह से, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हो 0.8413 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर हटा दिया इसलिए, ये ऊपर चली गई तो इसलिए इसकी वैल्यू माइनस हो गई है। ठीक है, ये हमारा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। ओके, चलो आप फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। इधर वाला है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि डेंसिटी जो है ऑफ ए सॉल्यूशन इज 1.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
The beaker's mass is 149 gram when it is empty. The total mass is 310 gram after filling it with solution. Find the volume of solution. Fill in the beaker. हमें यहाँ पर वो सॉल्यूशन की वॉल्यूम बताना है जो कि बीकर में फिल किया गया है. सबसे पहली बात कि यहाँ पर डेंसिटी दी गई है सॉल्यूशन की इतनी दी हुई है और बीकर का मास दिया है जब वो खाली है 149 और तब भी दिया हुआ है जब वो भरा हुआ है 310 ग्राम. तो यहाँ पर मेनली हमको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है बीकर का. तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को गिवन है. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा क्वेश्चन नंबर. तो यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. डेंसिटी कितनी दी हुई है हमें, ठीक है, दी हुई है हमें 1.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना. यहाँ पे बीकर हमें दिया हुआ है, बीकर का मास कितना दिया है हमें, ठीक है, बीकर का मास हमें दिया है 149 ग्राम. टोटल मास हम निकाल लेंगे यहाँ से. टोटल मास हमारा कितना हो जाएगा, टोटल मास हमारा हो जाएगा 390 ग्राम, ठीक है. वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपॉन में डेंसिटी. ये कहाँ से निकला है, ये हमारा इस फॉर्मूले से निकला है कि हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम. तो वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी, ये इधर आ जाएगा इनटू में, ठीक है. तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख देंगे, अपने फॉर्मूले पर पुट कर देंगे. वॉल्यूम हमें 310, मास हमें इतना दिया था और कितना दिया है 149 दिया है, दो मास दिए हैं हमें, है ना. और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है कितनी 1.34, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है. तो यहाँ पर अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे. ये हमारा ग्राम में है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे. तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस होगा हमारा 161 आएगा और 1.34 वैसे ही, ठीक है. अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 161, यहाँ से हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो दो जीरो ऊपर आ जाएंगे, जितने अंक के बाद डेसिमल लगा होता है ऊपर उतने ही जीरो बढ़ाते हैं. तो यहाँ 134 हो जाएगा. अब इसको आप कैंसिल करोगे तो आपका 05 आएगा और 67 सा इतना. हाँ, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अगेन तो हमें आंसर कुछ मिल जाएगा 120.149 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हमें आंसर इतना मिल जाएगा, ये हमको ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आंसर मिल जाएगा. तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. तो यहाँ तक हमारा 9 तक हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग का चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा. थैंक यू, कीप वॉचिंग.